मुकेश मिल्स का नाम मुंबई में काफी ज्यादा प्रचलित है क्योंकि ये जगह भारत की डरावनी और रहस्यमय स्थानों में शामिल है। मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स तकरीबन 160 वर्ष पुरानी मिल्स हैं और लोगों की माने तो यहाँ पर अनेक सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। ऐसा यहाँ क्या हुआ था जिसके चलते आज मुकेश मिल्स के नाम से भी लोग डरते हैं? मुकेश मिल्स को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। रात के समय तो यहाँ भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ कई मजदूरों की मौत हो गई थी जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। मुंबई के दक्षिण के क्षेत्र कोलाबा में स्थित मुकेश मिल्स की स्थापना भारत की आजादी से पहले सन 1852 ईस्वी में हुई थी। इस मिल्स का नाम मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड था। ये मिल्स लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई एक विशाल मिल्स थी। यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बनाने का काम किया जाता था, लेकिन वर्ष 1970 में एक रात अचानक यहाँ आग लग गई जिसमें झुलसकर सारे मजदूरों की मौत हो गई। उन्हीं मजदूरों की आत्माएं कई वर्षों से आज भी यहाँ भटक रही हैं। ये काफी डरावनी और मन को विचलित कर देने वाली घटना घटी थी जिसके बाद कई वर्षों से ये मिल्स ऐसे ही वीरान और खंडहर हालत में रही। उसके कुछ सालों बाद इस मिल को बनाने का काम एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद एक बार फिर इस मिल में आग लग गई और ये मिल बिल्कुल ही जलकर राख हो गई। दोबारा आग लगने के बाद इस मिल्स में एक भी ऐसा स्थान नहीं बचा जो आग की चपेट में ना आया हो। आग लगने के बाद खंडहर में तब्दील हो चुकी मुकेश मिल्स रहस्यमय और भूतिया जगह में शामिल हो गई, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस जगह पर भूत प्रेत आत्माएं अपने होने का एहसास हमेशा करवाते रहते हैं, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। इस मिल्स के बाहरी हिस्से हमेशा फिल्म शूटिंग या घूमने वालों के लिए खुले हैं, पर मुकेश मिल्स के अंदर जाना आज भी मना है। इस कहानी को जानने के बाद आप भी भूत प्रेतों पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 245। अरे चाचा, आप भी किस दुनिया में जी रहे हो? आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। नशे में धुत कौरव और त्रिलोक एक चाय के ठेले पर चाय वाले एक काफी उम्र दराज व्यक्ति से किसी बारे में बात कर रहे थे। गौरव की ये बात सुनते ही त्रिलोक ने भी उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए बोला, अरे चाचा, हमने अपनी जिंदगी में इतनी डरावनी चीजें देखी हैं कि अब किसी चीज से डर नहीं लगता। आपको तो क्या ही पता होगा। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, हम जिस दौर से गुजरे हैं ना, तुम गुजरे होते तो गुजर जाते। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने चाय गौरव और त्रिलोक की तरफ बढ़ाते हुए एक बार फिर बोला, देखो बेटा, दिन और रात में फर्क होता है। लोग तो वहां दिन में भी जाने से डरते हैं और तुम तो रात में जाने की बात कर रहे हो। 24-25 साल के गौरव और त्रिलोक हरियाणा में रोहतक के रहने वाले थे। दोनों स्कूल टाइम से ही अच्छे दोस्त थे। कॉलेज के बाद दोनों हर किसी की तरह मुंबई में कुछ बनने के सपने के साथ आए थे, पर यहाँ आकर दोनों अपने सपने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। साथ में काम करने वाले एक लड़के की जन्मदिन पार्टी थी आज, जहां से नशे में धुत गौरव और त्रिलोक अपने रूम की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक कुत्ते की रोने की आवाज के साथ ही गौरव एकदम से रुका। गौरव के रुकते ही हंसते हुए त्रिलोक ने बोला, अबे साले, कुत्तों की आवाज से डर जाता है, कभी भूत आ गया तेरे सामने तू तो मर जाएगा यार। ये सुनते ही गौरव ने त्रिलोक की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अबे त्रिलोक, गलत बात, डरता नहीं है तेरा भाई किसी से। ये तो बस मैं देख रहा हूँ कि ये कुत्ते इस तरफ हैं या इस तरफ। कि तभी हंसता हुआ त्रिलोक एक बार फिर बोला,
हट साला डरपोक, झूठ बोलता है। चल अब जल्दी। नशे में इंसान की सही और गलत को समझ पाने की ताकत खत्म हो जाती है। इस हालत में इंसान वही काम करता है जिस काम से उसे रोका जाए। अभी त्रिलोक वहां से आगे बढ़ता, उससे पहले ही गौरव ने उसे रोकते हुए बोला, त्रिलोक रुक, तुझे लगता है तेरा भाई डरपोक है? भूत पिशाचों से डर जाएगा, है ना? कहाँ है भूत? अच्छा रुक, चल वापिस चल, आज हम मुकेश मिल जाएंगे, अभी के अभी। ये बातें सुनकर कोई भी होता तो गौरव को रोक लेता, पर त्रिलोक भी नशे में एकदम चूर था। वो भी वापिस मुकेश मिल की तरफ गौरव के साथ साथ चल पड़ा। मेन सड़क से दोनों लड़खड़ाते हुए उसी चौक पर पहुंचे जहां से बाईं ओर सीधी सड़क मुकेश मिल्स को जाती थी। उसी चौक के ठीक कोने में एक चाय वाला खड़ा था। वहां पहुंचते ही दोनों ने चाय का बोलकर उस व्यक्ति से मुकेश मिल्स का रास्ता पूछा। काफी मना करने के बावजूद भी उस चाय वाले की बात को फालतू मानकर दोनों मुकेश मिल्स की तरफ निकल पड़े। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद दोनों ने आसपास देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सुनसान सड़क पर उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों मुकेश मिल्स के एंट्री गेट पर पहुंचे तो दोनों ने देखा कि गेट पर दो गार्ड और उनके साथ दो पुलिस कांस्टेबल भी थे। उन चारों की नजरों से छुपते हुए गौरव और त्रिलोक मुकेश मिल्स के एंट्री गेट से दाईं ओर सीधी सड़क से आगे की तरफ चल पड़े। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। रोशनी के लिए उन दोनों के पास मोबाइल के अलावा और कोई साधन नहीं था। मोबाइल की कम रोशनी में गौरव और त्रिलोक बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे और मुकेश मिल्स में अंदर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काफी आगे आने के बाद उन्हें लोहे की बनी ग्रिल्स दिखी जो समय के साथ घास और मिट्टी में आधी जमीन में धस चुकी थी, जिससे चढ़कर अंदर जाया जा सकता था। दोनों लड़खड़ाते हुए उसी तरफ पड़ने लगे। अंधेरे में वो दोनों घास और बड़ी बड़ी झाड़ियों को पार करते हुए उन्हीं ग्रिल के पास पहुंचे तो बाहर से देखने पर वहां का नजारा भूत प्रेतों से भी ज्यादा भयानक और डरावना था। पर नशे में गौरव और त्रिलोक का डर ऐसे गायब हो चुका था मानो वो दोनों किसी मार्केट में घूम रहे हों। उन लोहे की ग्रिल्स को पार करके दोनों मुकेश मिल में दाखिल हुए। मोबाइल की रोशनी में उन दोनों ने चारों तरफ देखा तो टूटी फूटी दीवारें जिन पर घास और झाड़ियां ऊपर तक जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों किसी भयानक जंगल में आ गए हों। कि तभी गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, हेलो भूत प्रेत डायन या जो भी हो तुम, जरा इधर आना, देखो मेरा दोस्त बोल रहा है, साला के डरता हूं मैं तुमसे। ये बोलते के साथ ही गौरव को चुप करवाता हुआ त्रिलोक बोला, अरे चुप, धीरे बोल मेरे भाई, बाहर उन चारों को पता चला तो चोरी के इल्जाम में जेल जाना पड़ेगा। ये सुनते के साथ ही गौरव ने जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं आएगा भाई, यहाँ बस मैं और तू ही हैं, बस हमारे सिवा और कोई नहीं आ सकता। गौरव का इतना भर कहना ही था कि तभी उनके ठीक सामने वाली बिल्डिंग से कुछ गिरने की आवाज हुई। दोनों ने एकदम मोबाइल की रोशनी में उसी तरफ देखा तो ये आवाज सामने टूटे हुए दरवाजे से आई थी। मोबाइल की उस कम रोशनी में दूर तक देखना काफी मुश्किल था। गौरव ने त्रिलोक की तरफ देखते हुए एक बार फिर बोला, लगता है डर से भूत अंदर भाग गया, देखा त्रिलोक, तेरा भाई नहीं डरता किसी से। गौरव की ये कहते ही एक बार फिर वही आवाज हुई। त्रिलोक ने गौरव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे पागल, भूत नहीं, कच्ची दीवारें टूटती रहती हैं यहाँ, उसकी आवाजें आ रही हैं ये, चल अंदर जाकर देखते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए और बिना डरे अंदर की तरफ जाने लगे। अंदर जाने पर उन दोनों ने देखा तो सीलन से दीवारें उखड़ी हुई थी और छतें टूट टूट कर
नीचे जमीन पर गिरी थी। अभी वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी ठीक उसी हॉल की दीवार के पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। दोनों ने एकदम से मोबाइल की रोशनी में मुड़कर पीछे देखा तो वो आवाज अभी भी उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों उस दूसरे हॉल के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो दोनों उस हॉल के दरवाजे के नजदीक जा रहे थे, वो चलने की आवाज उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। उस चलने की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो गौरव और त्रिलोक के कदमों की होती आवाज का पीछा करते हुए कोई उन्हीं की तरफ आ रहा था। धीरे धीरे दीवार से कान लगाए गौरव और त्रिलोक उस हॉल के दरवाजे पर पहुंचे। छुपकर गौरव उस दरवाजे से अभी अंदर देख ही रहा था कि तभी दरवाजे के ठीक ऊपर से दीवार का एक टुकड़ा गौरव के सिर पर गिरा, जिससे गौरव जोर से चिल्लाया। मोबाइल की रोशनी में त्रिलोक ने देखा तो गौरव के सिर से खून बह रहा था। तर्स से कराहता हुआ गौरव वहीं बैठ गया। नशे में उन दोनों को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर गौरव को चोट लगी कितनी है। त्रिलोक ने जेब में हाथ डाला और रुमाल निकालकर गौरव के सिर पे बांध दिया और गौरव को हाथों से पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। पर गौरव को चोट इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि गौरव अब धीरे धीरे बेहोश हो रहा था कि तभी त्रिलोक ने उसे उठाते हुए कहा, गौरव उठ यार, भाई चल वापिस चलते हैं। ये कहते कहते ही त्रिलोक ने देखा तो गौरव पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिरा। गौरव की ये हालत देखकर त्रिलोक की सारी शराब उतर चुकी थी। वो मदद के लिए मुकेश मिल्स के मेन गेट की तरफ जाने लगा। अभी अभी वो दोनों जिस रास्ते से मुकेश मिल्स में दाखिल हुए थे उसी रास्ते से त्रिलोक वापिस जाता तो काफी समय हो जाता। यही सोचकर त्रिलोक मुकेश मिल्स के बीच से होते हुए मेन गेट की तरफ जाने लगा। खंडहर इमारतों और घास झाड़ियों के बीच में होता हुआ त्रिलोक अब मुकेश मिल्स के बीचों बीच पहुंच चुका था। मोबाइल की कम रोशनी में त्रिलोक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। त्रिलोक ने रुककर मोबाइल की रोशनी में चारों तरफ देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वो ऐसी जगह फंस चुका था जहां समय के साथ पेड़ घास और झाड़ियों से सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिनसे निकल कर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ये सब देखकर त्रिलोक वापिस जाने को अभी मुड़ा ही था कि तभी ठीक उसके पीछे घास और झाड़ियों की आवाज हुई। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगा मानो कोई पीछे से चलकर आया और त्रिलोक के ठीक पीछे खड़ा हो गया हो। ये सुनकर त्रिलोक के डर से हाथ पैर कांप गए। मोबाइल की रोशनी में धीरे धीरे त्रिलोक ने मुड़कर देखा तो वहां हिलती हुई झाड़ियों और घास के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। त्रिलोक पीछे मुड़कर उसी तरफ भागा जहां से अभी अभी वो आया था। जैसे जैसे त्रिलोक भाग रहा था उसके पीछे पीछे और भी कदमों की आवाज त्रिलोक को साफ साफ सुनाई दे रही थी। इससे डरा हुआ त्रिलोक और भी गति में दौड़ा कि तभी त्रिलोक को महसूस हुआ मानो कोई ठीक उसके पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसके आगे की तरफ निकल गया हो। ये देखकर त्रिलोक एकदम से रुका और चारों तरफ घूमकर देखने लगा। त्रिलोक को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आवाजें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी पर दिखाई उसे कोई नहीं दे रहा था। अभी त्रिलोक इन सभी घटनाओं के बारे में सोच ही रहा था कि त्रिलोक को दर्द में कराहते हुए किसी की आवाजें सुनाई देने लगी। त्रिलोक यही सोचता हुआ तेजी से गौरव की तरफ भागा कि गौरव को होश आ गया होगा, ये वही है। वहां जाकर देखा तो गौरव वहां नहीं था। ये देखते ही त्रिलोक ने गौरव को आवाज लगाकर चारों तरफ देखा पर गौरव वहां
कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में बस एक मोबाइल की रोशनी में गौरव को इधर उधर देखता हुआ त्रिलोक उसी बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ा था कि तभी उसने गौरव को कॉल किया। रिंग बजने के साथ ही त्रिलोक को मोबाइल बजने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से लग रहा था कि गौरव उसी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में था। त्रिलोक जल्दी से उस बिल्डिंग से उतरकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। अभी त्रिलोक उस बिल्डिंग के अंदर जाता कि तभी ऊपरी छत पर बहुत से कदमों की आवाज त्रिलोक ने साफ साफ सुनी। भागता हुआ त्रिलोक वहां पहुंचकर मोबाइल की रोशनी में चारों तरफ देखने लगा तो वहां पूरी छत पर दूर दूर तक कोई नहीं था। एक बार फिर से त्रिलोक ने गौरव के नंबर पर कॉल किया। फोन के बजते ही हैरानी से त्रिलोक आंखें बड़ी बड़ी करता हुआ खिड़की से बाहर देखने लगा, क्योंकि अब गौरव के फोन की आवाज उसी दूसरी बिल्डिंग से आ रही थी जहां से भागकर त्रिलोक अभी अभी आया था। इन सभी आवाजों से अब त्रिलोक परेशान हो चुका था कि तभी उसी बिल्डिंग की खिड़की से त्रिलोक ने गौरव को आवाज लगाना शुरू किया। गौरव, गौरव! आवाजें लगाता हुआ त्रिलोक चिढ़ता हुआ एक बार फिर बोला, क्या यार, ये कोई मस्ती करने का तरीका है? ये बोलते ही त्रिलोक पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ते के साथ ही त्रिलोक के पीछे उसी बिल्डिंग से आती एक लाइट पड़ी जो कभी जलने लगी और कभी बुझने लगी। ये देखकर त्रिलोक ने मुड़कर पीछे देखा तो दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा कोई मोबाइल की टॉर्च जलाता और फिर बुझा देता। ये देखते ही त्रिलोक ने एक बार फिर गौरव को आवाज लगाई, गौरव, गौरव! पर वो जो भी था बिना हिले डुले और कोई भी आवाज किए वो मोबाइल की लाइट जलाता और फिर बुझा देता। इन चीजों से परेशान त्रिलोक गुस्से से बिल्कुल बिलखता हुआ एक बार फिर उसी बिल्डिंग से निकलकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागा और एक बार फिर उसी बिल्डिंग में पहुंचते ही उपली छत पर बहुत से कदमों की आवाज त्रिलोक को सुनाई देने लगी। धीरे धीरे हल्के कदमों से त्रिलोक ऊपर चढ़ने लगा तो वो कदमों की आवाज भी त्रिलोक के चलने के साथ साथ ही दूर होती जा रही थी। त्रिलोक ने ऊपर पहुंचते ही मोबाइल की रोशनी में देखा तो कोई भागता हुआ उसी हॉल के अंदर की तरफ चला गया जहां कुछ ही देर पहले गौरव को चोट लगी थी। सीढ़ियों पे खड़ा त्रिलोक कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं था कि ये गौरव है तो ऐसी हरकतें आखिर कर क्यों रहा है। अभी त्रिलोक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस दरवाजे से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। त्रिलोक ये सुनते ही उस दरवाजे तक आया और मोबाइल की रोशनी में अंदर झांकने को हुआ तो मोबाइल की रोशनी में देखा कि गौरव दीवार से सर लगाए दर्द से कराह रहा था। त्रिलोक ये देखते ही दौड़ता हुआ गौरव के पास पहुंचा और बोला, गौरव, गौरव, क्या हुआ भाई? ये बोलते हुए त्रिलोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही गौरव पीछे मुड़ा तो डर से त्रिलोक की चीख निकल गई। क्योंकि वो गौरव नहीं था। ये देखते ही डर से त्रिलोक पीछे जमीन पर गिरा और उसके हाथ से मोबाइल भी छूटकर बंद हो गया। उस हॉल में बिल्कुल घुप अंधेरे में हाथों के सहारे त्रिलोक मोबाइल ढूंढने की कोशिश करने लगा कि तभी उस घुप अंधेरे में एक आवाज हुई। त्रिलोक ने मुड़कर उस तरफ देखा तो मोबाइल में मैसेज आने से बिल्कुल कम रोशनी त्रिलोक को दिखाई दे रही थी। त्रिलोक धीरे धीरे हाथों के सहारे उस तरफ जाने को हुआ कि एक बार फिर मैसेज की आवाज त्रिलोक को सुनी, पर अब ये आवाज
त्रिलोक के ठीक पीछे से आई थी। त्रिलोक ने पलट कर देखा तो त्रिलोक को साफ साफ सुनाई दिया कि उसके सामने से कोई चलता हुआ उस मोबाइल तक गया और उस मोबाइल को उठाकर दीवार पर दे मारा। इससे डरा हुआ त्रिलोक जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? कौन है वहां? कौन है? कि तभी बहुत से कदमों की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी और अब ये आवाज त्रिलोक के ठीक सामने से उसी की तरफ पड़ रही थी। कदमों की आवाज धीरे धीरे और तेजी से त्रिलोक की तरफ आने लगी। डर से त्रिलोक हाथों के सहारे ही पीछे की तरफ खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था कि तभी त्रिलोक के हाथ से उसका मोबाइल टच हुआ। एकदम से मोबाइल को ऑन करके त्रिलोक ने उसी हॉल की तरफ देखा तो वहां पूरे हॉल में त्रिलोक के अलावा और कोई नहीं था। इन सभी घटनाओं से त्रिलोक अब बुरी तरह से डर चुका था। मोबाइल की तरफ देखा तो रात के 11 बज चुके थे। काफी समय तक त्रिलोक ने गौरव को ढूंढा पर अभी तक गौरव का कोई पता नहीं था। यही सोचकर त्रिलोक ने बाहर जाकर मदद लाने की सोची। वो उस हॉल से निकलकर उसी तरफ भागा जहां से वो दोनों मुकेश मिल्स में दाखिल हुए थे। सीढ़ियां उतरकर त्रिलोक अभी उन ग्रिल्स के पास पहुंच पाता कि तभी एक आवाज सुनकर त्रिलोक एकदम से रुका। त्रिलोक, मुझे छोड़कर अकेला जा रहा है भाई। और ये आवाज गौरव की थी। त्रिलोक ने मुड़कर मोबाइल की रोशनी में इधर उधर देखा पर वहां गौरव कहीं नजर नहीं आ रहा था। त्रिलोक ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए आवाज लगाई, गौरव, गौरव। गौरव को आवाज लगाता हुआ त्रिलोक वापिस मुकेश मिल्स की तरफ मुड़ा। कुछ देर की शांति के बाद त्रिलोक को फिर से एक आवाज सुनाई थी, त्रिलोक, यहाँ हूँ मैं, बहुत अंधेरा है यहाँ। त्रिलोक गौरव की आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा कि तभी त्रिलोक को महसूस होने लगा कि मानो उसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े उसे ही देख रहे हैं। डर से त्रिलोक ने चारों तरफ घूमकर देखा तो हिलती हुई घास और झाड़ियों के अलावा वहां कोई नहीं था। त्रिलोक ने एक बार फिर गौरव को आवाज लगाई, गौरव, गौरव। पर वहां त्रिलोक की गूंजती आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं हुई। त्रिलोक उन घनी झाड़ियों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह जा पहुंचा था जहां से एक सीधा गलियारा उसी बिल्डिंग के बेसमेंट की तरफ जा रहा था। मोबाइल की रोशनी में त्रिलोक उस जगह को अभी देख ही रहा था कि तभी दर्द से कराहते हुए गौरव की आवाज एक बार फिर सुनाई थी। और अब ये आवाज वहां खड़े त्रिलोक को अपने ठीक दाईं ओर से आई जहां पर वक्त के साथ मलबे में और घास से दबा हुआ एक दरवाजा था जो आधा जमीन में धसा हुआ था और आधा बाहर निकला हुआ था। त्रिलोक ने मोबाइल की रोशनी में अंदर देखने की कोशिश की तो वहां का नजारा इतना डरावना और भयानक था कि अंदर देखकर इंसान की रूह कांप जाए। कि तभी एक बार फिर अंदर से एक आवाज आई, त्रिलोक, बस अब थोड़ा ही रास्ता बचा है। और अब इस आवाज में एक भयानक शैतानियत साफ साफ महसूस की जा सकती थी। कुछ सोचे समझे बिना त्रिलोक अंदर जाने को अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी एक झटके से किसी ने उसे पीछे खींचा। हड़बड़ाते हुए त्रिलोक ने मोबाइल की रोशनी में देखा तो वो गौरव था। सर पे वही रुमाल लपेटे हुए और पूरे कपड़ों तक खून से लथपथ गौरव ने बोला, चल जल्दी यहाँ से, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं। कि तभी उसी बेसमेंट से डरावनी और भयानक आवाजें आने लगी और ऐसा लगने लगा मानो कई सारे लोग उस बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। त्रिलोक और गौरव ये सुनकर वहां से बाहर भागे और भागते भागते ही गौरव ने त्रिलोक को बताया, 1790 में लगी आग से बचने के लिए
तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग इस बेसमेंट में छुपे थे, पर आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही समय में पूरी बिल्डिंग राख हो गई और मलबे से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। बेसमेंट में छुपे ये सारे लोग धुएं से तड़फ तड़फ कर मरे और इसी के चलते आज तक उनकी आत्माएं उसी बेसमेंट में भटक रही हैं। ये सुनते ही त्रिलोक ने पीछे से भागते हुए गौरव से पूछा, पर ये तुझे कैसे पता गौरव? अभी त्रिलोक की बात खत्म होती कि त्रिलोक जमीन पर किसी चीज से टकरा कर धड़ाम से गिरा। हड़बड़ाता हुआ त्रिलोक जल्दी से उठा और चारों तरफ देखा तो वहां त्रिलोक के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। त्रिलोक ने मोबाइल की रोशनी जमीन की तरफ लगाई तो वहां देखकर त्रिलोक जोर से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। क्योंकि वहां गौरव की लाश पड़ी थी जिसके पूरे बदन से धुआं निकल रहा था। अगले दिन गौरव की लाश पर जांच की गई, उसमें पता चला कि सिर पर गहरी चोट लगने के 10 या 20 मिनट बाद गौरव की मौत हो चुकी थी। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं पर त्रिलोक आज भी इस बात को सोचकर कांप जाता है। अगर आप भी शराब पीकर लंबी लंबी हांकते हैं तो शराब पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी लंबी लंबी बातें आपको ही लपेट दें। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।